फिलहाल वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आ गया हूँ आज मैं होंडा। एक्चुअली मैं सोचा बहुत दिन से एक्टिवा गंदी हो गई थी और मैंने AMC भी ले रखी तो उसमें वॉशिंग थी, तो मैं सोचा वॉशिंग करा दूँ, तो आज एक्टिवा धुलवाने के लिए आया हुआ है। वेटिंग लगी है, थोड़ा टाइम लगेगा, देखते कितना देर लगता है। ये खड़ी है हमारी एक्टिवा वेटिंग टू गेट वॉश्ड। पॉलिशिंग भी कंप्लीट होने वाली है, बस फिर निकलते हैं यहाँ से, जल्दी हो गई वैसे तो। हेलो, गुड इवनिंग। तो आज शाम के भी बज रहे हैं 6 और मैं निकल चुका हूँ घर से। आप देखोगे पैदल निकला हूँ, ना स्कूटी ना बाइक ना कार, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ ऊबर बाइक से। मुझे जाना है अलीगंज। बहुत दिनों के बाद मैं ऊबर बाइक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली दीपक वहाँ पे ऑलरेडी है, वो कह रहा है मैं बाइक से हूँ तो तुम अपनी अलग से क्यों गाड़ी लेकर आओगे, अलग अलग चलने से अच्छा है तुम ऊबर लेकर आ जाओ और हम लोग यहीं मिलते हैं। तो ऊबर बाइक मैंने ऑर्डर मतलब कि मंगवा ली है, वेट कर रहा हूँ, देखो कितनी देर में आती है। वैसे तो 2 मिनट का रास्ता आ रहा है और उसने कॉल किया है, कह रहा है कि 2 मिनट लगेगा लगभग आसपास, तो बस वेट कर रहा हूँ, आएगी तो फिर निकलते हैं अलीगंज के लिए, बस जल्दी से वो आ जाएँ। हैवी जाम एट मुंशी पुलिया, यहाँ पर जाम ना लगा तो फिर क्या रहा, जाम यहाँ पर तो हमेशा ही जाम रहता है, इसीलिए ना इस चौराहे पर तो जाम मतलब रुकना ही नहीं है। आ गए हम टेढ़ी पूजा के जाम में, आधा घंटा खाता है अगर हम कार से आते तो। फाइनली हम चौराहे पर पहुँचने वाले हैं। ये चौराहा सबसे व्यस्त चौराहा है, शाम के वक्त यहाँ पे इतना जाम लगता है कि बस पूछिए ही मत। फाइनली हम यहाँ से निकलने वाले हैं। फाइनली आई हैव रीच्ड एट माय डेस्टिनेशन, पर मेरे बाल ख़राब हो गए हैं। बाइक पे बैठते हैं तो यही होता है, बाल की तो वाट लग गई, हवा इतनी तेज़ थी बाइक लगती है, बाल सही करने पड़ेंगे पहले भाई। अब दीपक कॉल करता हूँ आ जाए, पर ये बाल तो सही नहीं हो रहे हैं, ये होता है। वैसे कैब वाला बहुत ही तेज़ था मैं उसको बोलता रहा भाई सिग्नल मत तोड़, सिग्नल मत तोड़, उसने पता नहीं मेरे सामने कितने सिग्नल तोड़ दिए और मैं जल्दी जल्दी पहुँचा दिया इधर पे। तो दीपक कॉल करते हैं। हाँ, फिलहाल दीपक भाई मिल गए हमको, जा रहे हैं आउटलेट पर जहाँ पर हमें आज बिरयानी ट्राई करनी है, अगर बैठने की व्यवस्था हुई तो। आज हम आए सेक्टर है चलीगंज चिक कॉर्नर 2, लेट्स सी। फिलहाल ये आ गई है हमारी चिकन बिरयानी, पीस कितना है इसमें देखा जाए पहले तो, 1-2 पीस देख रहा हूँ कितना है, 2 पीस हैं, खा के देखते हैं कैसी है। टेस्ट में तो वैसे ठीक है, देखो भाई ठीक है, थोड़ी तीखी है, तीखी तीखी है, पीस खा के देखते हैं पीस कैसा है। फिलहाल साथ में मेरा कबाब और पराठे ट्राई करके देखते हैं। कबाब पराठे भी ठीक है, ठीक है ना, ये है हमारा चिकन कॉर्नर 2। पता है
इतना वो दे रहा चिक चिक कॉर्नर टू अलीगंज। फिलहाल चिक चिक कॉर्नर टू निकला है, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और अगर हम अंदर नहीं बैठना चाहते तो अपनी गाड़ी लेकर आए, गाड़ी में बैठ कर आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सा स्पेस भी है इनके पास अच्छा खासा। फिलहाल चिक 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 चिकन, ये तो नाम भी भाई का इतना लंबा है, चिक चिक चिकन कॉर्नर टू अलीगंज से तो हम बाहर निकल गए हैं। आज दीपक भाई गाड़ी चला रहे हैं तो हम ब्लॉग बना पा रहे हैं अच्छे से। तो वहाँ जो हमने खाया है, आज खाई थी हाफ बिरयानी खाई थी और कबाब पराठे, दोनों ही 10 out of 10 दोनों को, दोनों डिशेज को, और रायता और चटनी भी अच्छी थी भाई। दीपक भाई ने कहा रायता चटनी भी बता दो, रायता चटनी भी अच्छी थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनका स्पेस अच्छा है, सब साफ सफाई है। प्लस सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो था कि मैं आया हूँ सरदार जी की दुकान पर। सरदार जी का जो खाना बनता है ना वो बहुत टेस्टी होता है, और बहुत टाइम बाद सरदार जी की शॉप मिली है जहाँ पे हमको खाने को मिला है। दोबारा से आ गए हम राधिका बर्फी पे, दीपक भाई को क्योंकि कुल्फ़ी खानी है। दीपक भाई बहुत कुल्फ़ी खाते हैं, बहुत पसंद तुम्हें कुल्फी? राधिका बर्फी की नकलची कुल्फी कलाकंद, तुम तो कुल्फी लेने आए थे, ये भी लो फिर गोंद वाले लड्डू 100 ग्राम की कुल्फी करा दीजिए। इसको ऐसे ही रखा जाता है, फिर ऐसे पीस किए जाते हैं कुल्फी के, सॉरी बर्फी के, फ्रेश बर्फी। इसको ऐसे ही काटा जाएगा बस। घी दे दो, घी चाहिए, घी कुल्फी भाई। इसमें बर्फ लगी ना अंदर पूरा? नहीं लो, बस एक ही आए, एक एक हमने नहीं खाया, हम तो अभी तुम्हारे लिए लेकर आए। चम्मच पहले से लगी थी भाई, पकड़ो। फिलहाल वहाँ से आ गए हैं हम वापस घर पे अपने, मज़ा आ गया। चिक चिक चिकन कॉर्नर ने तो मज़ा ही दिला दिया। एक तो सबसे अच्छी बात सरदार जी की दुकान, सरदार जी की दुकान में जो खाना बनता है ना उसका मज़ा ही अलग होता है। सरदार जी ने पूरे मज़े दिए, इतना बढ़िया खाना बनाया, इतना बढ़िया खाना बनाया, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। बिरयानी 10 out of 10, कबाब 10 out of 10, पराठे 10 out of 10, और रायता जो मिला साथ में वो भी बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। तो फिलहाल डिनर तो कर ही लिया था तो घर आए हैं, अब बस नींद आ रही है, सो जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।